इतना बड़ा टेरेंटुला, इतना बड़ा है वो। इधर देखो यार कितना बादल छा हुआ है। आप आवाज़ सुनिए, क्योंकि यहाँ पर एक डर रहता है कि बिजली जो है कभी भी गिर, ये देखो बिजली जो है गिर सकता है, तो थोड़ा सा रिस्की होता है। और ये इस खिड़की का व्यू है। ये बारिश का ना एक बड़ा ही अच्छा चीज़ लगता है, जब बहुत दिनों के बाद बारिश गिरे ना तो मिट्टी के ऊपर एक पानी गिरने का एक स्मेल आता है। तो ये सब ना बचपन की यादें जो है हमारी ताज़ा कर देती है। सडनली वेदर कैसा चेंज हो गया। देखो गाइस, थोड़ा देर पहले ना काफ़ी धूप था, अब जो है पूरा पूरी वेदर चेंज। ये फिर आ गया। और गार्डन जो है हमने क्लीन कराया था, क्योंकि काफ़ी जो है जंगल पड़ गया, तो हम सोचा कि क्यों ना इसे क्लीन करा ले, क्योंकि कुछ कुछ हम चीज़ें सोच रहे हैं इस जगह को लेकर, तो धीरे धीरे आपको हम बताएंगे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो फिलहाल बादलों का आप आवाज़ सुनिए, क्योंकि यहाँ पर एक डर रहता है कि बिजली जो है कभी भी गिर, ये देखो बिजली जो है गिर सकता है, तो थोड़ा सा रिस्की होता है। तो ये देखो और आसमान का हालत दिखाता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देखो बादल पूरा छा गया। बम फट रहे हैं पूरा, ऐसा लग रहा कारगिल वॉर जैसा फील हो रहा है। ये काम करने लगे कैसे, काम चोरी के लिए काम करते, उससे बोला गया था पूरा क्लीन करने, झाड़ू मारने, तो बंदे ने झाड़ू मारा ही नहीं है, वैसे ही दाशरा काज जो किया। और वहाँ पर ज़्यादा ही बिजली जो है गिर रहा है। और ये देखो कैसा, तो भी इसने क्लीन कर दिया है। और रास्ते का हाल पूरा सुनसान एकदम। इधर देखो यार कितना बादल छा हुआ है। ये तो काल बैसाखी का शायद जो है वो चल रहा है। ये देखो कितना बड़ा टेरेंटुला, ये देखो कितना बड़ा है वो। भेदो ना डूबे जाए पर बाड़ी से। तो देखो ऑल ऑफ अ सडन बारिश शुरू हो गया। चलो भेतर जाइए, चलो डूबे जाओ भेतर सब आई, चलो फेटो खेत हमारे प्लास्टिक तो फेले दिलो ना। वो देखो बारिश शुरू हो गई, हल्का बारिश ही तो तकलीफ देगा, अभी गर्मी बढ़ेगा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल कुछ कुछ कोई थंडरस्टॉर्म और रेन। और ये है मेरे बेडरूम से ये नज़ारा बारिश का। बारिश का ना एक बड़ा ही अच्छा चीज़ लगता है, जब बहुत दिनों के बाद बारिश गिरे ना तो मिट्टी के ऊपर एक पानी गिरने का एक स्मेल आता है। तो ये सब ना बचपन की यादें जो हमारी ताज़ा कर देती है। मिट्टी के ऊपर का जो एक स्मेल होता है ना, वो ये बारिश में ही आप फील कर पाओगे, उसके अलावा कभी भी ये फील होता नहीं है। तो यार मतलब काफ़ी यूनिक है, मेरा तो फेवरेट मौसम है बारिश है। पता नहीं कब जो है मानसून जो है वो शुरू हो, करेंट भी जो है चला गया है। इधर का यही नाटक है, अगर बारिश थोड़ा भी गिरा, थोड़ा हवा वजह ना करेंट चले जाता है, फिर कब आएगा नहीं आएगा उसका भरोसा रहता नहीं है। तो फिलहाल देखते हैं, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर पहले प्रियंका का फ़ोन आया था, तो वो लोग सब ठेक पर बैठे, क्योंकि आज इलेक्शन यहाँ पर है, तो सब लोग अपना अपना टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन के टाइम पर टाइम पास ही होता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा, तकलीफ होता है उनके लिए। फिलहाल अभी देखते हैं कि मुझे कब मौका मिले बाहर जाने का, क्योंकि ये इस जगह से बाहर निकली उसके साथ बाइक भी बहुत जल्दी गंदा होता है। तो देखते हैं बारिश कब तक रुके और देखते क्या कर सके बाद में। और ये इस खिड़की का व्यू है। ये देखो ये मैं चेयर भी सारा धुल जाएगा, पूरा देखो पूरा पानी वाली गिर रहा है। अरे पिच बोर्ड आ गया बाहर शहर से, पिच बोर्ड हो रहा है गीला।
चलो ठीक है, उसको फेंक दिया जाएगा। देखो थोड़ा सा बारिश में, देखो ऐसा पानी भर गया उधर, भीग आ जाए यार बारिश में थोड़ा सा। A few moments later. So guys, करंट भी जो है अभी चला गया, मैं मस्त बारिश में फुल एकदम पूरा वहाँ पर जाके मैं पूरा भीग के आया हूँ। अच्छा बारिश गिरा, आधा घंटा 20 मिनट जो है मस्त तगड़ा बारिश गिरा, और वहाँ पर ना पूरा पानी भर गया था। और मुझे लगता है जो ड्रेन होल जो है हम लोगों का, जो होता है एंट्रेंस जो हम लोग करते हैं ना, उसके नीचे ना एक मॉनिटर लिजर्ड रहता है बड़ा वाला। अब जैसे ही पानी भर गया तो बाहर निकलने के साथ मुंह निकल के बाहर से देख रहा, तो देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा था, डर भी लग रहा था। तो मैं वहाँ से निकल के इधर आ गया तो अभी पता चला कि वो वहाँ रहता है। मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ रहता है, कि हम तो डेली वहाँ से ही आते जाते हैं, तो अब पता नहीं कहाँ गया है वो। तो फिलहाल बारिश जो है अभी रुका हुआ है, अब थोड़ा सा हवा वगैरह चल रहा है, देखते हैं कभी निकल पाए भी या नहीं बाहर। तो फिलहाल अभी चाय का आनंद लेते हैं, चाय पीते हैं, क्योंकि बारिश के बाद या बारिश में चाय पीने का और वड़ा पाव खाने का अलग ही मज़ा होता है। बट वड़ा पाव फिलहाल अभी तो है नहीं, तो कोशिश करेंगे ये स्वाद भी जो है हम कल्याणी के लोगों को हम दे पाए, ताकि बारिश के बाद वड़ा पाव खाने का जो क्रेज़ जो है हम वो लगा सके। तो फिलहाल चाय का आनंद लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो गाइस चाय का हम ले रहे हैं आनंद। इसलिए बारिश अगर 1-2 घंटा अगर प्रॉपर गिरे ना, तब जाके थोड़ा सा वेदर जो है ठंडा होता है। अगर मान लो 10-15 मिनट गिर के अगर बंद हो जाए, 5-7 मिनट गिर के बंद हो जाए, तो दोपहर के टाइम पे ऐसा हालत ख़राब होता है, रात को सोने के टाइम पे पूरा हालत ख़राब होता है। तो चाय पीते हैं। अभी सोच रहा हूँ कि बाहर जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि मेरा तो वोटिंग यहाँ पर है नहीं, मेरा मुंबई का लिस्ट था तो मेरा वोटिंग तो हुआ नहीं है। तो देखूँगा अगर मौका मिले तो बाहर जाऊँगा, क्योंकि अभी बाहर निकलने से ही बाइक होगा गंदा। तो फिलहाल सोचते हैं जाए या नहीं जाए।